Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to be for NMAT 2024 exam. Because in this video, I want to discuss about the 50 days dedicated study plan starting from 20 September. Guys, इसी तरह का मैंने स्नैप का एक शेड्यूल बनाया था, तो काफी लोगों का पिंग आया था कि NMAT के लिए भी प्लान होना चाहिए. सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है. कोई अगर 20 सितंबर से स्टार्ट करना चाहता है NMAT प्रिपरेशन, तो ये 50 डेज में जो मैं शेड्यूल शेयर करूंगा वो शेड्यूल को फॉलो करना, आपको काफी हेल्प मिलने वाली है. वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम फॉलो करना, क्योंकि हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस मोटिवेशन बेस्ड वीडियो आते रहते हैं. प्लस अगर आप कैट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो कैट के लास्ट 7 ईयर्स के PYQs ऑफ क्वांट्स एंड LRDI हम लोग की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं, इनके लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना. बाकी मैंने कैट के क्वांट्स एंड LRDI PYQs के बारे में जो बताया था, यहाँ पे इसकी डिटेल्स हैं. ठीक है, तो आपको बस इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और आपको दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी. ठीक है, तो ये आपकी काफी हेल्पफुल रहने वाला है. इवन मैं रिकमेंड करूंगा कि NMAT स्नैप की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप क्वांट्स के PYQs देखो कैट के, आपको हेल्प मिलेगी काफी. ठीक है, चलो गाइज अब स्टार्ट करते हैं, शेड्यूल डिस्कस करते हैं. तो गाइज आपके सामने ये NMAT का डिटेल्ड शेड्यूल है 20 सितंबर से 10 नवंबर तक. वैसे मैं अगर NMAT एग्जाम की बात करूं, तो वैसे सिलेबस वाइज जितने भी नॉन कैट एग्जाम होते हैं, स्नैप, NMAT, CMAT, CET, SRCC, सबका सिलेबस सेम होता है. बस NMAT डिफरेंट इसलिए बिकॉज NMAT थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जाम है. NMAT में कुछ चीजें बिल्कुल पैटर्न वाइज आती हैं, कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमेशा, वहां पे फ्लक्चुएशन नहीं होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है, बट जनरली क्वेश्चन टाइप्स आते ही हैं. जैसे पैरा एग्जाम्पल्स अगर 4-5 आने तो आते हैं, अगर इनपुट आउटपुट आना है तो एक आएगा, क्रिटिकल रीजनिंग अगर आनी है तो आएगी, मतलब 15 आएगी, 20 आएगी, वो डिपेंड करता है. पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो टॉपिक बाय टॉपिक फिक्स रहता है. जैसे स्नैप में क्या होता है, स्नैप में कुछ फिक्स नहीं है, कभी क्या पता ज्योमेट्री का ही भी क्वेश्चन ना आए, क्या पता 4 क्वेश्चन आ जाए. बट यहाँ पे जनरली कुछ टॉपिक्स में फिक्स रहता है, सब में नहीं रहता, कुछ टॉपिक्स में. अब जैसे डेटा सफिशियंसी है, क्वेश्चन टाइप है, वो आना ही आना है, 4 क्वेश्चन, तो ऐसा है. तो इस वजह से NMAT थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जाम माना जाता है. तो गैस इस शेड्यूल में मैंने वैसा वो पढ़ना सब कुछ है, बट मैंने टॉपिक्स जो स्टार्टिंग से अंदर लिए हैं वो इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, जो इम्पोर्टेंट ज्यादा है, मतलब सीरियल जो उसका बना हुआ है, वो कौन कौन से टॉपिक्स पहले इंपॉर्टेंट है, पहले आपको करना है, उसके अकॉर्डिंग लिया है मैंने. ठीक है, चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस 20 सितंबर से 27 सितंबर क्या करना है आपको, क्वांट्स एंड डीआई में परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप्स, टाइम एंड वर्क, आपको ये गो थ्रू करना है 28 डेज में. ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में गाइस आपको डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग ये करना है आपको. VRC की बात करूं, वर्बल एबिलिटी में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड प्रपोजिशंस, ये गाइस ग्रामर के रूल्स हैं, क्योंकि ग्रामर आपके किसी भी नॉन कैट एग्जाम में काफी आती है. ग्रामर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए, मेनली एरर स्पॉटिंग एंड सेंटेंस करेक्शन, दो चीजें आती हैं. ठीक है, तो वो ग्रामर सही हो पाए. ठीक है, तो ये 8 डेज में आपको करना है गाइस. मेक श्योर करना कि सारी वेरायटी, सारे क्वेश्चन टाइप्स करो. और मैं अगर बताऊं कि आपको पर डे कितना देना चाहिए टाइम, तो गाइस अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको कम से कम 6 से 7 आवर्स देना चाहिए, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो 2-3 घंटा दो, बाकी वीकेंड में दो. ठीक है, 28 सितंबर से 5 अक्टूबर, SICI, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेजेस, एलिगेशन मिक्सचर्स, ये आपको कवर करना है अच्छे से पूरा. ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में गाइस आपको पता है कि NMAT में 50% के अराउंड क्रिटिकल रीजनिंग होता है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एजम्पशंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये आपको कवर करना है अच्छे से. फिर गाइस VRC, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी के लिए हम लोग के चैनल में काफी सारी वीडियोज हैं, 1000 वोकैबुलरी वर्ड्स का वीडियो है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, वहां से आप ले सकते हो. ठीक है, बाकी ग्रामर प्रैक्टिस आपको करनी है, 30 क्वेश्चन ऑन एरर स्पॉटिंग, क्योंकि ग्रामर आपने पढ़ लिया रूल्स, अब इसकी प्रैक्टिस करो. ठीक है, कहीं से भी कर सकते हो. ठीक है, और गाइस एक चीज और है, अगर आपने ये शेड्यूल मिले उन लोगों के लिए जिन्होंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली है, अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आपने इन शॉर्ट कहीं भी इनरोल किया किसी भी कोचिंग में, तो वहां पे जो बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग करो, वरना आप मिसमैच हो जाएगा. ठीक है, 6 से 13 अक्टूबर, APGP, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लॉगरिथम्स, लीनियर एंड सिंपल इक्वेशंस, फंक्शंस, आपको ये करना है 7 डेज में. ठीक है, बेसिकली 8 डेज है. कोर्स ऑफ एक्शन, पैरा बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट, ये आपको करना है LR में. गाइस पैरा बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग के सोर्सेज आपको कहाँ से मिल सकता है,
आप जीमैट क्लब में जाके चेक कर सकते हो, वहां से आपको मिल सकता है इजी वाले क्वेश्चंस करने हैं। ये पैराग्राफ बेस्ड होते हैं, लाइक स्ट्रेंथिंग आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग आर्ग्यूमेंट, ऐसे। ठीक है, तो वो भी करना है आपको। बाकी गाइस वीआरसी में गाइस पैरा जंबल्स, पैरा जंबल्स जब आपको पता है गाइस कि 4 से 5 क्वेश्चन आने ही है, तो जब चीज कोई कंफर्म है तो डेफिनेटली उसके पीछे पड़ जाओ। 70 से 80 क्वेश्चन सॉल्व करो रूल्स समझने के बाद, ठीक है, और आपको 100% एक्यूरेसी लेके आनी है, समझो आप। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस किस चीज में आपको बहुत तेजी से काम करना है, जिसमें आपका 100% एक्यूरेसी की चांस होना चाहिए। 14 से 20 अक्टूबर, फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अब मैंने इसको पहले क्यों लिया है, क्योंकि गाइस एनमैट में हमेशा से पीएनसी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत आए हैं। मतलब ये समझ लो पीएनसी प्रोबेबिलिटी के 6 6 7 7 क्वेश्चन भी आए हैं, और हाईएस्ट से हाईएस्ट एक स्टूडेंट के स्लॉट में 11 क्वेश्चन आ गए थे पीएनसी प्रोबेबिलिटी के आउट ऑफ 36। हमने 8 8 क्वेश्चन तो बहुत देखे, तो आप ये मान के चलो कि एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके। उसको आपको ढंग से करना है गाइस, इतने ज्यादा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आते, बट इसमें आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग गाइस, पजल्स, लीनियर सर्कुलर एलिमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशंस। तो गाइस अगर मैं सीआर की बात करूं तो सीआर हर टाइप का आपको 20 20 सीआर प्रैक्टिस करना है। पजल्स की बात करूं तो हर टाइप के आपको 5 5 सेट्स प्रैक्टिस करने हैं, 15 से 20 सेट्स। वीआरसी में गाइस सेंटेंस करेक्शन प्रैक्टिस और कंजंक्शंस पढ़ लेना। ठीक है, 21 से 27 अक्टूबर नंबर सिस्टम के 3 दिन क्वेश्चन भी देखे गए, नंबर सिस्टम अच्छे से कर लेना। डेटा सफिशियंसी बहुत अच्छे से करना है। डेटा सफिशियंसी के लिए अगर आपको प्रॉपर बेसिक चाहिए तो यूट्यूब में हम लोग की वीडियो अपलोडेड है, 2 वीडियोस हैं, उससे आपको पूरा डीएस के रूल्स कवर हो जाएंगे। फिर कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब यहाँ पे वही चीज है, आपको जब पता है कि 4 डीएस आने ही आने हैं तो आपको कुछ छोड़ना ही नहीं गाइस, अच्छे से प्रैक्टिस करो कि डीएस की आपको 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, फिर गाइस इनपुट आउटपुट सिलोजिज्म सेट थ्योरी वेन डायग्राम वाला, ये वेन डायग्राम वाला सेट थ्योरी जो होता है ये बहुत बहुत बड़ा सेट नहीं होता है, ये नॉर्मल से क्वेश्चन आता है, ये क्वांट से भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हमने देखा है कि एनमैट में 3 क्वेश्चन भी आ चुके हैं इसके, क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक है ये क्वांट से भी आ सकता है, एलआरए भी आ सकता है, और दोनों में भी आ सकता है। टोटल मिला के 3 4 क्वेश्चन भी दिख सकते हैं आपको इसके। फिर गाइस वीआरसी में गाइस फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको प्रैक्टिस, वो कैप बेस्ड एंड ग्रामर बेस्ड प्रैक्टिस। मतलब 2 तरह के होते हैं फिलर्स, ग्रामर बेस्ड होता है, वो कैप बेस्ड होता है। वोकैबुलरी को जितना ज्यादा पढ़ो कम है गाइस, उसके लिए आप ये नहीं बोल सकते कभी कि आपको वोकैब आ गई, वो कभी भी एंड नहीं उसका। ठीक है, तो जितना आप कर सकते हो करो। उसकी स्ट्रैटेजी क्या है कि कोई एक सोर्स पकड़ लो जहाँ पे 1000 2000 वोकैब हो, उसको अच्छे से उतनी में गो थ्रू करो, फिर आप मोबाइल ऐप्स का भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे मोबाइल में आपको। 28 अक्टूबर से 5 नवंबर डीआई करना है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मिक्स प्रैक्टिस सेट्स। टारगेट रखो गाइस 25 सेट्स प्रैक्टिस करने हैं आपको ओवरऑल ये। अब गाइस ये रफ टाइम टेबल है, आप इसको फ्लेक्सिबल भी कर सकते हो, बट 25 सेट्स प्रैक्टिस करके जाओ। बहुत ज्यादा टफ सेट नहीं करने, इजी से मीडियम सेट्स। लॉजिकल रीजनिंग में क्लॉज एंड कैलेंडर्स, मिसिंग फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये आप कर लेना। फिर बचा गया 6 से 10 नवंबर। अब यहाँ मैंने वो टॉपिक्स लिए जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी, मैक्सिमम मिनिमम, सर्च एंड डाइसेस, ग्राफ्स, ज्योमेट्री का बेसिक्स कर लेना। गाइस एनमैट की ऑफिशियल रिवीजन ज्योमेट्री नहीं है, और ज्योमेट्री की हार्डली कोई क्वेश्चन दिखते हैं एनमैट में, पर आपको ये बात समझनी है, अगर आप सिर्फ एनमैट एग्जाम दे रहे हो और कोई एग्जाम नहीं दे रहे हो तब तो ज्योमेट्री को आप लाइटली ले सकते हो, बट आप एनमैट के अलावा कोई भी और एग्जाम दे रहे हो, स्नैप का, सीमैट का, कोई भी एग्जाम, तो आपको ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी। बट एनमैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योमेट्री को मैंने लास्ट में रखा हुआ है और बोला है बेसिक्स करने, क्योंकि मे भी आपको डेटा सफिशिएंसी में क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजीज। ठीक है, तो गाइस ये आपके सामने पूरा प्रॉपर शेड्यूल है, इसको अच्छे से अगर आप फॉलो करते हो जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे मैं 2 चीजें फिर से बोलूंगा कि पैरा जंबल्स और डेटा सफिशिएंसी और क्रिटिकल रीजनिंग। आपको पता है कि पैरा जंबल के 4 क्वेश्चन आने ही है, डीएस के 4 क्वेश्चन आने ही है, क्रिटिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आने ही है, तो आपको पहले से पता है चीज, तो आपको उसके बारे में करना पड़ेगा। ठीक है, और जो लोग कैट में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं गाइस, मैं यही रिकमेंड करूंगा कैट को थोड़ा कम ध्यान देके फिर एनमैट पे फोकस ज्यादा कर दो, क्योंकि एट द एंड आपका गोल होना चाहिए टॉप 25 कॉलेज जाना। ऐसा मत समझो कि आपने कैट की कोचिंग में काफी पैसा इन्वेस्ट किया तो कैट करते ही रहोगे, अगर कैट नहीं हो पा रहा है तो साइड में रखो उसको, उसको देना एग्जाम देना है उसका, बट आप फोकस ज्यादा एनमैट पे रखो, क्योंकि हर साल बच्चे गलती करते हैं कैट के चक्कर से, नॉन कैट एग्जाम भी खराब कर देते हैं। और गाइस कैट कर लिया नॉन कैट हो जाएगा ये सही नहीं है, क्योंकि एल आर एम बी ए पूरा लगेगा इस। ठीक है, इसलिए थोड़ा मिसलीडिंग है एक्चुअली।
बाकी गाइस एक आप लोग के लिए न्यूज है कि हम लोग का एनमैट स्नैप का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। काफी लोग पिंग आ रहे थे कि कोई क्रैश कोर्स आने वाला है। गाइस डेडिकेटेड क्रैश कोर्स रिकॉर्डेड प्लस लाइव पीवाईक्यूज के साथ, ठीक है, ये 20 सितंबर से स्टार्ट होगा विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। कि 20 सितंबर से कोई बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करता है तो वो स्नैप या एनमैट क्रैक कर सकता है। जैसे मैंने हमेशा बोला आपको गाइस, कंटेंट मैटर करता है, ठीक है, कितना क्यूरेटेड है। हर साल हम लोग ये क्रैश कोर्स निकालते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स से क्रैक करते हैं एग्जाम, ठीक है। इस बार हमने क्रैश कोर्स जल्दी लॉन्च कर दिया और अक्टूबर में लॉन्च करते हैं। और प्राइसिंग जो क्रैश कोर्स की बहुत इकोनॉमिकल है। स्नैप क्रैश कोर्स से 3500 का है, एनमैट क्रैश कोर्स से 3500 का है, और सबसे अच्छी चीज एनमैट से कॉम्बो सिर्फ 3999 का है। अब गाइस क्रैश कोर्स जो है वो डिटेल्ड कोर्स से कितना डिफरेंट है, तो गाइस ऑलमोस्ट हमने सबको सेम ही रखा है। बस यहाँ पे आपको जीडीपीआई इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि जीडीपीआई कंप्लीट कोर्स का पार्ट है। बाकी कुछ बहुत सारे जो टॉपिक टॉपिक टेस्ट थे, 700 से 800 टॉपिक टेस्ट, वो आपको नहीं दिए जा रहे हैं। बिकॉज क्रैश कोर्स का मेन मतलब क्या है कि आपको उतना कंटेंट दिया जाएगा जितना आप कर सकते हो, जितना रेलिवेंट है। क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन बैंक देने का फायदा नहीं, जितना आप कर पाओ उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगेन हमने वीडियोस में कोई कॉम्प्रोमाइज ज्यादा नहीं किया है क्योंकि तो हमने हमेशा बोला है कि क्लासेस हम लोग की रियल में चलती है। तो जो कंप्लीट कोर्स है वीडियोस हैं वही आपको यहाँ मिलेंगे। ये मानो कि 70-80% आपको मिल जाएंगे वीडियोस। कुछ कुछ वीडियोस हम हटा देंगे जो हमको लगता है रेलिवेंट कम है। बिकॉज क्रैश कोर्स का मतलब है कि आप उतने टाइम में कवर कर पाओ, ठीक है। तो गाइज इसकी लिमिटेड सीट्स होती हैं, और अगर रिजल्ट्स की बात करें तो 150+ SIBM कॉल्स है, 45+ NIMS कॉल्स है। बाकी इसका डिटेल्स आ जाएगा यूट्यूब पे, अगर आपको इंक्वायर करना है तो आप इंक्वायर कर सकते हो, ठीक है। बाकी गाइस अगर आप SRCC CMAT वगैरह के एग्जाम्स दे रहे हो तो 28 सितंबर से हम लोग उसका बैच स्टार्ट हो रहा है। 28 सितंबर से वो आप चेक कर सकते हो, एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल कोर्स है। और इन कोर्सेज के साथ साथ आप इस क्रैश कोर्स को भी कॉम्बो में ले सकते हो, जो व्हाट्सएप पे सब आइडिया लग जाएगा। बाकी ये एग्जाम्स को भी गाइस अंडर एस्टिमेट मत करना क्योंकि एट द एंड यही आपको बचाएंगे। एनमैट के मॉक्स हैं, खाली मॉक्स ले सकते हैं। एनमैट के मॉक्स 999 के हैं, काफी रेलेवेंट मॉक्स हैं गाइस। सारे मॉक्स के क्वेश्चन हम लोग खुद सेट करते हैं। बाकी एनमैट से आपका कॉम्बो मॉक्स है, 1999 का है। तो गाइस ये हम लोग के एनमैट मॉक्स के रिव्यूज हैं, बाकी बहुत सारे रिव्यूज आते रहते हैं। गाइस ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। बाकी कोई भी डाउट आता है मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। तो गाइस अब टाइम आ गया एक स्ट्रक्चर वे प्रिपरेशन करने का। बिकॉज मेरे पास काफी लोग पिंग आ रहे हैं जो कैट में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, काफी अच्छा टाइम में क्या आप एनमैट समय पूरा फोकस कर दो और अच्छे से एग्जाम निकल जाएगा। बाकी आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर में। बाकी क्रैश कोर्स की डिटेल्स आपको एक दो दिन में वेबसाइट में आ जाएंगे। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा उसका डिटेल। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।